आलू प्याज जहां पहले सरकारें गिरवा चुके हैं, वहीं अब इस चुनाव से पहले टमाटर सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। टमाटर ने एक झटके में रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। टमाटर के खुदरा दाम 120 रुपए किलो से ऊपर चल रहे हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। कटनी सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। इस अवधि में टमाटर की आवक 40% कम हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब टमाटर के भाव अचानक बढ़े हैं। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में साल के दौरान सबसे तेज उतार चढ़ाव होता रहता है। टमाटर कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है और विभिन्न इलाकों में साल में कई बार उगाया जाता है, लेकिन फिलहाल तो टमाटर के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सर, ये समय सब्जियों के दाम बहुत ही बढ़े हुए हैं, इससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर का भाव 120 रुपए हो गया है जिसके प्रति, जिसके चलते हम सब्जी नहीं ले पा रहे हैं। महंगे के चक्कर से सब्जी ले नहीं पा रहे हैं, प्लस टमाटर महंगा हुआ है। क्या बाजार में जाओ, एक पाव भी लेने में वो होता है, दिक्कत फंसती है, लेने में दिक्कत फंस रही है। ये वो सब्जी के भी दाम बढ़े हैं, धनिया मिर्ची के भी महंगे हो गए हैं, हर चीज महंगा हो गया है। अभी से टमाटर महंगा हो गया है और ग्राहक आ भी नहीं रहे ज्यादा, टमाटर महंगा हो गया। टमाटर 120 रुपए चल रहा है और सब्जियों के रेट जब से टमाटर बढ़ा तो थोड़ी थोड़ी उनके भी हाई रेट हो, ग्राहक की बहुत मंदी चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।